केफी देख रही हूँ मैं। कुछ भी बोल रहे हो तुम, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आदत ही है झूठ बोलना। ओ यार, चुप बैठो तुम, शायद मैम मुझे बुला रही है, जाना पड़ेगा। कोयल, और बताओ क्या? नहीं, आप ही मत आओ, तुम एक काम कर रहे हो, और यहाँ पे वैसे भी ये जेंट्स का नहीं लेडीज का ब्यूटी पार्लर है, मैम बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। ऑफ वो पता नहीं क्या कर रही है यार, जरूर इसका फोन कॉल चालू हो गया होगा। नो प्लीज, तुम मुझे मत फंसाओ, एक तो मेरा जॉब है, कैसे मैं से पैसे कमा रही हूँ, उसके ऊपर भी तुम लात मार रहे हो, ऐसा मत करो, मत आओ यहाँ पे। कोयल, ओ नो, ये मैम एक नंबर के चुड़ैल है, जाना ही पड़ेगा मुझे, रखती हूँ मैं। तुम सच में आ रहे हो क्या? ओ नो, तुम नहीं सुनोगे। व्हाट हैपेंड मैम, आपने मुझे बुलाया था? हो गई बॉयफ्रेंड से बात? हाँ हो गए। नहीं, तुम मुझे एक बात क्लियर कर दो, तुम यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करने आती हो या फिर मेरे हाथ के नीचे काम करने आती हो? मैम, मैं ना आपके नीचे काम करने आती हूँ, ना मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बात करने आती हूँ, मैं यहाँ पे पैसे कमाने आती हूँ। वाओ ग्रेट, ऐसे ही तुमको जवाब देने हैं ना तो जाके मिस यूनिवर्स मिस इंडिया में देना। ओके, मेरे सामने ऐसे जवाब नहीं चलेगा क्योंकि ये यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा जो तुम ऐसे सैवेज आंसर्स दे रही हो मुझे। ये तुम्हें सैवेज आंसर्स देने ना वहां जाके दो, ये प्लेस आपके लिए नहीं बनी है। वो तो मुझे भी पता है मैम कि ये जगह मेरे लिए है नहीं, मैं डिजर्व भी नहीं करती ऐसी जगह, मेरे लिए तो कोई और जगह होगी, बट अनफॉर्चुनेटली मजबूरी के चलते मुझे यहाँ पे काम करना पड़ता है मैम। अच्छा, मजबूरी है, मेरे नीचे काम कर रही हो मजबूरी है मैम। तुमको क्या लगता है, तुम्हें किसी हाई फाई फैशनिस्टा के नीचे काम करना चाहिए? मैं आप नहीं हो क्या मैम हाई फाई? भी हूँ, किसने कहा मैं नहीं हूँ? इस इलाके का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर है एवन। नेहा वाली का नाम सुना है मैम आपने? इधर ही है वो भी। नहीं, तुमको अगर इतना ही शौक है ना नेहा वाली का तो जा उसके पास, मैं भी देखती हूँ कैसे रखती है वो तेरे जैसों को। अरे मेरी ही जगह कोई और होती ना, पक्की निकाल दी होती, वो तो मैं सब सहन कर लेती हूँ, इसीलिए तू यहाँ पे टिकी है। मैं तो बहुत अच्छे से काम करती हूँ, आप ही मुझे नोटिस नहीं करते हो। मुझे मत बताओ, हाँ मुझे तुम सिखाओ भी मत, कल तुम्हारे वजह से एक क्लाइंट वापस चली गई, उसकी उनकी जो अपॉइंटमेंट थी 3 बजे की थी, वो बराबर राइट टाइम आ गई थी 3 बजे। तुमने क्या कहा, आपकी अपॉइंटमेंट 2 घंटे बाद है, आप चले जाए, क्योंकि तुमने रजिस्टर देखा ही नहीं उनकी अपॉइंटमेंट कितने बजे की है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है क्या काम के ऊपर तुम्हारा जो है वो फोन कॉल इंपॉर्टेंट है? घर पड़ा है ना इतना बड़ा, वहां पे जाके फोन कॉल करके वहां पे पूरा दिन बिताने का क्या है बच्चा? मेरे पास बहुत बाकी के काम है और मैं चाहती हूँ कि सब काम ठीक से, और मेरे क्लाइंट को डिसअपॉइंट ना हो मुझसे। वो मुझसे नहीं, तुमसे ज्यादा डिसअपॉइंट होते हो, नाम हमारा एवन का खराब होता है। अगर आइंदा से तुमने ये गलती की, आइंदा से नहीं, अब ये वाली जो गलती आखिरी, इसके बाद जो गलती करोगे सीधा यहां से। मैम देखिए, नो नो नो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी जाओ वहां पे जाके बैठो। मैम क्या मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी आपसे, आई होप कि आप मेरी हेल्प कर दोगे। इस मुंह से हेल्प मांग रहे हो तुम? किस मुंह से हेल्प मांग रहे हो? भगवान ने जो मुंह दिया है उसी से हेल्प मांग रही हूँ मैम, मेरा और कोई तो मुंह नहीं है। देखिए मैम, अगर आप मुझे हेल्प करोगी तो मैं काम के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान दूंगी और हमेशा अच्छे से काम करूंगी, ये आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, हम दोनों का फायदा है मैम, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो कि मैंने हेल्प करने के बाद तुम अच्छे से काम करोगी तो परफेक्ट, बताओ। अच्छा, पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए कि जो भी हेल्प होगी आप वो करोगी। क्या प्रॉमिस? पहले बताओ क्या हेल्प चाहिए, ऐसे कैसे प्रॉमिस दे दूं? कल को प्रॉमिस देने के बाद तुम 10 लाख रुपए मांगोगे, मैं कहां से लेके दूं? अब तक मैं नहीं कमा पाई 10 लाख। कंट्रोल मत, प्रॉमिस नहीं ले सकते, पहले हेल्प बताओ। मैम देखिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, आप जितना मुझे दे रहे हो उतना ही काफी है, मैं पैसे मांग भी नहीं रही हूँ, पैसों से हटकर ये हेल्प है, तो आप प्लीज मुझे पहले एक बार प्रॉमिस कर दीजिए। ठीक है, प्रॉमिस। वो मैम दरअसल बात यह है कि आज मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आने वाला है। आनंद, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ रहा है? आर यू मैड और क्रेजी और समथिंग?
वहां पे बाहर लिखा है ना साफ साफ, दिस इज ओनली फॉर द लेडीज, जेंट्स अलाउड नहीं है। मैं बच्चों को भी अलाउड नहीं करती, जेंट्स फिर भी मम्मी लेके आती है, उनको मना नहीं कर सकते हम। हाँ तो बच्चे है, बट इतना बड़ा तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो थोड़ी ना बच्चा है। मैम वो मेरे लिए बेबी ही है, ही इज माय बच्चा। अरे तो अपने घर में रखो अपने बच्चे को, यहाँ पे मत लाओ। दिस इज ओनली फॉर मेन, लेडीज, नॉट फॉर जेंट्स, नॉट फॉर मेन्स, नॉट फॉर किड्स आल्सो। मैम आपको इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है मुझे समझ में नहीं आता, आप हमेशा ये एरोगेंटली बात करती हो। गुस्सा होने की बात नहीं है बच्चा, बट वो डिस्टर्बेंस होता है किड्स का, तुम समझ सकती हो बच्चे कितना परेशान करते हैं मुझे। और रही बात जेंट्स की, तो ये जेंट्स के लिए है ही नहीं, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे मेन के लिए नहीं है, ऑल फॉर विमेंस। मैम आ जाने दो, आप समझो प्लीज। क्या समझू मैं, नहीं ये क्या कोई धर्मशाला है क्या, कोई भी आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। जाओ करना है बाहर जाके करना, तुम समझ गई ना। और आज तुम्हें छुट्टी चाहिए इसके लिए, तो मैं बिल्कुल छुट्टी भी नहीं देने वाली हूँ तुम्हें। उसको बोलो संडे के दिन करे, कुछ करना है जहाँ पे जाना है वहां पे जाके उड़ो। मैम मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मजबूरी है मैम प्लीज। क्यों आ रहा है वो मुझे बताओ कि क्या करना है उसका, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, और कोई शौक से उनके? कोई शौक नहीं है मैम, उसको कोई भी शौक नहीं है। He is coming just for मिलने के लिए आ रहा है मैम वो। अरे वाह, मुझे आज पता चला कि मेरा ब्यूटी पार्लर कैफे है, कैफे। यहाँ पे लव बर्ड्स आके कुछ कुछ करते हैं। मैम आप हमेशा की तरह से गलत समझती हो, पता नहीं आपका दिमाग ही गलत है शायद, पर वो कुछ भी उल्टा सीधा या फालतू काम के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहता है मैम, वो सिर्फ बात करना चाहता है मुझसे। अरे कोई गार्डन है क्या जो मिल रहे हो यहाँ पे आके? नहीं तुमको के कोई और कुछ काम धंधे है नहीं क्या, फोन पे बात कर दिन भर, मैं दे रही हूँ परमिशन पर। वो जो लड़का है कौन है पता नहीं, आदमी है जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ओके? मैम आप अभी आपने जबान दे दी, मुझे प्रॉमिस दिया था, आप ऐसा मुड़ नहीं सकती हो, आप रिटर्न नहीं कर सकती हो, आपको उसको आने देना ही पड़ेगा, मैं और कुछ नहीं जानती मैम। हमारे पापा को ही बताना पड़ेगा, ये आपकी बेटी का चक्कर अभी भी चल रहा है, उसका बिल्कुल करियर पे फोकस नहीं है, कुछ जिंदगी में करना नहीं है, यही लफड़े करने हैं इसको। ये तुम शादी कर लो ना, इतना ही एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता, तो मत करो मेरे यहाँ पे काम। और शादी होने के बाद तो रखूंगी भी नहीं मैं तुमको, क्योंकि क्या है मुझे पता है शादी होने के बाद तो क्या, तुम अभी से फोकस नहीं हो, शादी होने के बाद कौन सा बड़ी इंटेलिजेंट बन जाओगे। मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी मैम शादी के बाद, क्योंकि वो ब्रांडेड है और ब्रांडेड लोग कभी ऐसे नीचे काम नहीं करते किसी के, तो मैं यहाँ पे आऊंगी भी नहीं ना, शक्ल भी दिखाऊंगी आपको। तो जाओ ना करो शादी, मना किसने किया है? करूंगी मैम, मैं शादी भी बहुत जल्दी करूंगी, देख लेना। ओ राहुल तुम आ गए। हेलो कोयल। अरे ये तो सुमित्रा जी का लड़का है ना? यस मैं ब्रांडेड सुमित्रा जी का बेटा राहुल, नाम तो सुना ही होगा, कभी कभी मुझे रोहन भी कहते हैं। एनीवे बट मैं ब्रांडेड, मेरी माँ ब्रांडेड, मेरी बहन ब्रांडेड, मेरे पापा ब्रांडेड, दादी भी ब्रांडेड, माँ को नहीं लगती। एक्सक्यूज मी मिस्टर, देखिए जो भी बात करनी हो फटाक से करने का निकलने का, दिस इज ओनली फॉर लेडीज और ये लेडीज का ब्यूटी पार्लर है, समझ गए आप? यस आई नो, यू नो देन व्हाई यू कम, व्हाई यू कम? मैम स्टॉप, नो यू यू नो दैट दिस इज ओनली फॉर द लेडीज, ओनली वुमेन्स के लिए है, फिर भी तुम उठा के चले आए। बात करनी थी वो कुहू कोयल से। गार्डन है ये, कैफे है ये, समंदर का किनारा है ये, जो मिलना है तुम दोनों को। अरे अपने अपने घर जाओ, वहां पे जाके मिलो, यहाँ मेरा ही ब्यूटी पार्लर मिला था, अगर कोई देखेगा बाहर का क्लाइंट अंदर नहीं आएगा, कोई भी लेडीज नहीं आती, दिस इज ओनली फॉर लेडीज, वो कैसे आगे बैठेगी एक जेंट्स के आगे ब्यूटी पार्लर में, कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं? हाँ कॉमन नहीं है मेरा ब्यूटी पार्लर, मेरा ब्यूटी पार्लर ओनली फॉर लेडीज है, समझ गए? ऐसे आइंदा से वापस तुम दिखे तो याद रखना, जो बात करनी है 5 मिनट दे रही हूँ दोनों को, फटाफट बात करने का निकलने का यहाँ से। कोयल बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? पहले तुम बोलो। नहीं पहले तुम, पहले तुम, लेडीज फर्स्ट कोयल। मैंने कहा ना पहले तुम। कोई है क्या ब्यूटी पार्लर में? अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा मधुरा। ओह नो, ये तो तुम्हारी माँ का आवाज है। बोलो कोयल, मुझे छुपाओ। एक काम करो, तुम जल्दी से जाके पीछे के दरवाजे से भाग जाओ, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से, बाय।